Good morning, all of you friends. As a matter of start of our subject Gujarati, unit number 10, Mahatma Gandhi. तो महात्मा गांधी के बारे में हम सब जानते हैं क्योंकि जब हमारा देश आजादी हुआ था तो उस टाइम उन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत की थी, बहुत संग्राम भी किए थे. और महात्मा गांधी जिसको आज हम हमारे राष्ट्रपिता के नाम से जानते होंगे, महात्मा गांधी का पूर्ण नाम मोहनदास करमचंद गांधी है. તેમનો જન્મ 2 ઓક્ટોબર 1869 ના રોજ પોરબંદરમાં થયો. તો હમ સબ જાણતે કે મહાત્મા ગાંધી જો કે ઉનકા પૂરા નામ ક્યા હે, મોહનદાસ કરમચંદ ગાંધી. અબ ઉસકા જન્મ કબ હુઆ થા, તો 2 ઓક્ટોબર 1869 કો પોરબંદર મેં હુઆ થા. ગાંધીજી મિલાય છે વકીલા કો બનાને બેરિસ્ટર થયા. इसके बाद उन्होंने क्या किया, जो विदेश में चले गए क्या किसके लिए, वकालत करने के लिए. और वहाँ जाकर वकालत का उन्होंने स्टडी किया और उसके बाद वो बैरिस्टर भी बन गए. गांधी जी भारत ने आज़ाद करवा लड़त चलाई. अंग्रेजों के हमने घनी बार जय मकोरिया गांधी जी भारत ने आज़ादी अपाने में छुराया. तो उसके बाद क्या हुआ कि जब हमारा देश स्वतंत्र नहीं हुआ था, अंग्रेज लोग हमारे देश पर रूल कर रहे थे, उसके साथ साथ हमारे पर बहुत अत्याचार भी कर रहे थे और हम उससे इसलिए बनाने की हम लोगों के गुलाम थे. तो उस वक्त क्या किया गांधी जी ने, देश को आज़ाद करने के लिए एक लड़त लगाई. और क्या किया, जो अंग्रेज लोग थे गांधी जी की ऐसा बिहेव देखकर उन्होंने गांधी जी को कितनी बार जेल में भी भर दिया. गांधी जी भारत ने आज़ादी अपॉइंटमेंट लिया, फिर भी जो थे वो अपनी जो कदम पे चलते थे वहाँ से एक स्टेपिंग पर डगे गए, वो चलते रहे. और फिर ताकत लगाकर उन्होंने अपना काम आगे बढ़ाना चालू ही रखा. और उसके बाद उन्होंने हमारे देश को आज़ाद किया. गांधी जी एक उनके पोतरी पैर था, ते दरों सवार सांस प्रार्थना करता, तेमने बाड़ा को भरा पाला था. अब वो क्या करते, वो सिर्फ एक पोते ही पान कर रखते थे और हर रोज सुबह शाम वो भगवान की प्रे करते रहते थे और उनको छोटे बच्चे बहुत प्रिय थे. गांधी जी को अवसर भूल भगवती थे. तो उसके बाद वो क्या करता है, वो गांधी जी साबरमती आश्रम जो है अहमदाबाद में वहाँ पर रहते थे और वहाँ पर अभी गांधी जी नाम का एक गांधी आश्रम भी वहाँ पर स्थित है. और उन्होंने अपनी जिंदगी के बहुत पूरा समय वहाँ गांधी आश्रम में बिताया था और वहाँ वो सब छोटे बच्चों के साथ वहाँ पर रहते थे. आपको देश गांधी जी ने राष्ट्रपिता का नाम भी होती है. तो जब हमारा जो यहाँ पर जो देश हमारा गुलाम था, अंग्रेजों के साथ हमारी लड़ाई शुरू चल रही थी, तो उसी वक्त गांधी जी को एक गोली लगती है और गोली लगने के बाद उनका खून हो जाता है, लेकिन वो मर जाते हैं. और आज हम सब उनको हमारे राष्ट्रपिता के नाम से पहचानते हैं. तो यहाँ पर हमारा लेसन पूरा होता है.